आनंद सर ना हमेशा कहते थे क्रिएटिंग जीनियसेस 30 एट अ टाइम, लेकिन एक्चुअल में ही वॉज चेंजिंग लाइफ थाउजेंड्स एट अ टाइम। क्योंकि जब एक घर में एक बच्चा पढ़ लेता है, उस परिवार का, माता पिता का, आने वाली सात पुश्तों का। क्या करोगे आईआईटी करके? बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, नासा में जाएंगे, रिलेटिविटी का थ्योरी पढ़ेंगे। थोड़ा मुस्कुराओ और मन में अंग्रेजी को कहा इतना बढ़ावा दे रहे हैं? अरे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, अंग्रेजी का डर हटा रहे हैं। ऐसा बहुत दरवाजा है दुनिया में जो सिर्फ इसीलिए नहीं खुलते हैं क्योंकि लोग मे आई कम इन नहीं कह पाते। बोल के दिखाओ। राजा को तैयार करना है तो राजा के बच्चों को ही तो पढ़ाना होगा। लंगड़े घोड़ों को डर्बी के रेस में नहीं उतारते आनंद बाबू, उनको बना के दो दो रुपए में सवारी कराते हैं। अब शायद पहली बार आप भी देखेंगे कि ये दो रुपया वाला टट्टू कैसे डर्बी जीतता है। घर जाइए ललन जी, लगता है कि तूफान आने वाला है। ये आनंद कुमार ब्रिलियंट टीचर है, ये पढ़ाएंगे आज से आप लोगों को। इन्होंने पढ़ा दिया तो आप वीआईपी लोगों की वीआईपी एंट्री हो गई आईटी में। आनंद कुमार मास्टर ब्लास्टर, अब एक्सीडेंट कोचिंग में पढ़ाएंगे। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? ऐसा स्टार बनाएंगे आनंद को कि दुनिया देखेगा। अगर शोएब अख्तर 143 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर बॉल फेंके और बाउंड्री 63 मीटर दूर है तो सचिन तेंदुलकर को कितने फोर्स से बल्ले को घुमाना पड़ेगा ताकि छक्का लगे? हैं? सोचो सोचो सोचो। अगर ट्रेन 120 मील पर आवर पर चल रहा और एक एक करके हम उसका डब्बा निकालते रहे तो अकेला इंजन कितना स्पीड पर चलेगा? बेजानी जोड़ी जो सारे सवाल एक एक करके ढूंढ के निकाल, काहे न सुलझेंगे इनकी मजाल, नोच के दिखा दे। सब अंग्रेजी में बात करे सर, हमें तो बोलना भी नहीं आता। हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। कल पढ़ाई नहीं होगा, कल होली पे तुम सब सब जनता के सामने नाटक करोगे, वो भी अंग्रेजी में। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसके लिए आपको तैयार रहता है। सुनने से पहले लगने वाला अंक खोजते हैं आपके लिए। आप जानते नहीं है सर आपका कीमत क्या है, अब हमारे साथ आइए। ये आनंद कुमार जी ब्रिलियंट टीचर है, इन्होंने पढ़ा दिया तो आप वीआईपी लोगों की वीआईपी एंट्री हो गई आईआईटी। दूसरे से हाथ मिलाओ और अपना अपना नाम बताओ, जल्दी करो, सिर्फ 10 सेकंड है तुम्हारे पास। स्टॉप। अब बताओ कितना हैंडशेक हुआ? सर 30x30 900 होगा सर। गलत। सर 870 30x29 खुद से आपने नहीं मिलाना सर। गलत। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। मजा तो तब है जब बू करके हम दिखा दें, ना पहले हो सका है जो मंसमो। क्यों एक बार में ही पढ़ के मंसमो, क्यों एक बार में ही पढ़ उस बार बन जा प्यारे चलता फिरता क्वेश्चन मार्क। आनंद जी ये चीटिंग है, चीटिंग है ये। तो किस्मत इन बच्चों के साथ जो किया वो क्या प्रतिभा दिए, साधन नहीं दिए, चीटिंग नहीं तो और क्या आशीर्वाद है? कचरे का ट्रक चलाते हैं, नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, पिताजी नहीं है ये अमीर लोग अपने लिए। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे।
बाप रे। ये जो बच्चे हैं जो 30 बरस इनक्रेडिबल स्पिरिट्स ऑन सेट, उनकी स्पिरिट सवालों के बिना ही जिंदगी है डार्क, बल्ब की तरह जला दे बस जनता। इतना ऊंचाई और माइनस 35 डिग्री पर बादल बर्फ का ही नहीं बनता। उत्सुकता हो सर पे सवार, क्वेश्चन से तू मत मान हार, चल भिड़ जा बरखुरदार, भले कुंठी की मुट्ठी हो टाइट हो, रॉन्ग राइट में छिड़ी फाइट, हर प्रश्न के उत्तर पर है तेरा अधिकार अधिकार। अरे बच के जाने न पाए क्वेश्चन मार, बच के जाने न पाए क्वेश्चन। क्या करोगे आईटी करके? बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट। नासा में जाएंगे। रिलेटिविटी का थ्योरी पढ़ेंगे। थोड़ा मुस्कुराओ और मन में ही फॉर्मूला बनाओ। उसका एक भी लड़का एग्जाम में शामिल नहीं होना चाहिए। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे।